क्या राजनीति में आ रही हैं अभिनेत्री कंगना रनौत? क्या लोकसभा चुनाव में वो बनेंगी बीजेपी की उम्मीदवार? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि गुजरात में द्वारका में पहुंची थी कंगना रनौत और ऐसा ही उन्होंने वहां कह दिया। कंगना पीएम मोदी की जबरदस्त प्रशंसक रही हैं और मोदी जी के गृह राज्य पहुंचकर एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है वहां पर, जिसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के द्वारका में ये बयान देकर बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना ने राजनीति में कदम रखने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दरअसल कंगना अपनी फिल्म तेजस की रिलीज के बाद गुजरात के प्रसिद्ध धाम द्वारका पहुंची। उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में माथा टेका। एक्ट्रेस ने नागेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लिया। इसके बाद कंगना ने मीडिया से बातचीत में लोकसभा चुनाव लड़ने का हिंट दिया। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। द्वारका नगरी तो मैं हमेशा कहती हूँ दिव्य नगरी है, यहाँ की हर चीज़ ही अद्भुत है। और जैसे कि भगवान के दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो हर कण कण में यहाँ जो द्वारकाधीश है वो समाए हुए हैं और द्वारकाधीश के दर्शन होते ही हम तो धन्य हो जाते हैं, हमेशा ही धन्य हो जाते हैं। और हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना हम आए यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने, मगर जब भी काम से मिलता है मौका तब आ जाते हैं। और वो जो पानी के अंदर का पूरा जो द्वारका की जो नगरी है वो भी ऊपर से हमने देखी। कभी चाहेंगे कि सरकार की ऐसी सुविधाएं हों कि उसके अंदर भी पानी के अंदर जाके जो नगरी के अवशेष हैं उनको देखें। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। कंगना ने इंस्टा पर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते हुए फोटोज भी शेयर की है। साड़ी में सजी धजी कंगना खूबसूरत लगी। उन्होंने बताया कैसे वो कई दिनों से बेचैन थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद उनके मन में शांति मिली है। कंगना ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा है, कुछ दिनों से हृदय बहुत व्याकुल था, ऐसा मन हुआ कि द्वारकाधीश के दर्शन करूं। श्री कृष्ण की इस दिव्य नगरी द्वारका में आते ही यहां की धूल मात्र के दर्शन से ऐसा लगा कि मेरी सारी चिंताएं टूटकर मेरे कदमों में गिर गई हूं। मेरा मन स्थिर हो गया और अनंत आनंद की अनुभूति हुई। हे द्वारकाधीश, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। द्वारका के बाद कंगना रनौत शुक्रवार को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची। कंगना ने सोमनाथ मंदिर से अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, राम नाम की पुस्तक में राम जी का नाम लिखा, उसके बाद श्री कृष्ण मोक्ष भूमि के दर्शन किए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं, तो इसके लिए उनका सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उसकी समानता नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी ट्रस्ट के लिए किया है और आगे भी करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी धाकड़ पर्सनालिटी के लिए फेमस हैं। पॉलिटिकल हो या सोशल, वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हैं और बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंगना से अक्सर पॉलिटिक्स में एंट्री करने को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक इससे वो इनकार ही करती आई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। संभावना जताई जा रही है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकती हैं। अब कंगना का अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा। द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायक चैतव वसावा की तलाश में खाक छान रही है। चैतव वसावा नर्मदा जिले के डेडियापारा के विधायक हैं और आदिवासी मुद्दों पर मुखर रहे हैं। बीजेपी का आरोप अब ये है कि उन्होंने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और उसको समर्थन भी किया है। वन विभाग की टीम पर हमला को जो हुआ उसको भी समर्थन उन्होंने किया। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से गुजरात तक आम आदमी पार्टी पर कानून का शिकंजा कस रहा है और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको गिरफ्तारी का भय सता रहा है। तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। नर्मदा के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा के घर के बाहर गुजरात पुलिस चारों तरफ मंडरा रही है।
पुलिस को आपके फायर ब्रांड चैतर वसावा की तलाश है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। इससे पहले नर्मदा पुलिस चैतर वसावा की पत्नी शकुंतला देवी, उनके पिए जितेंद्र और एक किसान को शुक्रवार सुबह ही गिरफ्तार कर चुकी है। विधायक और उनकी पत्नी पर जमीन के एक मामले में वन कर्मियों को धमकी देने, पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने और अवैध रिवॉल्वर से फायरिंग करने का आरोप लगा है। नर्मदा जिला के डेढ़ेपाड़ा पुलिस स्टेशन में 29 तारीख को फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारियों की तरफ से फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर जो खेडूतों के द्वारा दबान के साथ में खेत में खेती की गई थी उसको निकाला गया था। उसके बाद में उसके बारे में बात करने के लिए जो डेढ़ेपाड़ा विधानसभा के सीट के जो धारा सभ्य है चैत्र भाई वसावा, उन्होंने उन फॉरेस्ट के कर्मचारियों को अपने घर बुलाया था। 30 तारीख शाम को 8 बजे वो उनके घर जब चले गए तो उस वक्त फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ उन्होंने बोलाचाली की, उनके साथ मारपीट की, उनको धमकाया और धमकाने के साथ में उन खेडूतों को पैसा देने के लिए बोला, अगर पैसा नहीं देंगे तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ में एक वेपन के साथ में एक राउंड हवा में फायर भी किया। अभी तक इस फरियाद में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें धारा सभ्य श्री जो है उनके पीए है, उनकी पत्नी है और एक और खेडूत है। आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगी हम आपको बताएं। दरअसल बीजेपी का कहना है कि चैतर वसावा का वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे में हाथ है। कुछ किसानों ने वन विभाग की जमीन पर खेती की थी जिसे नष्ट कर दिया गया था। इसी विवाद में चैतर वसावा ने वन विभाग के कर्मचारी को घर बुलाकर मारपीट की और अवैध रिवॉल्वर से गोली भी चलाई। धारा सभ्य बना पोची वहा लाइट गई तो इन्हें लेने सीधो चैतर भाई त्या जीबी ऑफिस में पहुंची गया અને ત્યાંના કર્મચારીઓ સાથે ગાળાગાળી કરી। આમ એને અનેક પ્રકારની આવી ખોટી ટેવ છે। કોઈ પણ કાર્યકર્તા ગામમાં પણ કોઈ એમની સામે બોલે તો જે હાથમાં આવ્યું લાકડો હોય તો લાકડું એ મારી દેવાની એને આદત છે। તો આ ખરેખર એને આ પ્રકારનું શોભતું નથી અને આને લઈને ડેડિયાપાડા તાલુકાના લોકોને પણ અપીલ કરું છું મેં કે આપણે ડેડિયાપાડા તાલુકાને શાંતિ જળવાય। સામે દિવાળી આવે છે, બધા દિવાળીની તૈયારી કરે અને સારી રીતના કાયદો કાયદાનું કામ છે। ચૈતરભાઈ ગુનો કર્યો છે તો એનો તપાસ રીતના યોગ્ય દિશામાં થવાનું છે। આ લોકશાહીની અંદર કોઈને કોઈ ખોટી રીતના કોઈ હેરાન કરતું નથી। उधर आम आदमी पार्टी सारे आरोपों को झूठा बता रही है। आप नेता गोपाल इटालिया ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सीधा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी के सशक्त जुझारू विधायक और आदिवासी समाज के कद्दावर नेता भाई श्री चैतर वसावा पर भ्रष्ट भाजपा ने झूठा आरोप लगाया। पुलिस से भी ये खबर मिली है कि चैतर वसावा की धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या जरूर कम है लेकिन चैतर वसावा उन विधायकों में है जो लगातार सरकार की मुखर होकर आलोचना करते हैं और आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते। आदिवासियों के लिए जंगल की जमीन पर हक की मांग करते रहे हैं और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को भी मिलाकर अलग भील प्रदेश नाम के राज्य बनाने की भी मांग करते रहे हैं। उनकी पत्नी शकुंतला देवी भी कई आंदोलनों से जुड़ी है। फिलहाल पुलिस चैतर वसावा की गिरफ्तारी के लिए नर्मदा, भरूच और गुजरात के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। अब देखना होगा कि पत्नी की गिरफ्तारी के बाद चैतर वसावा खुद की गिरफ्तारी के लिए आगे आते हैं या कोई और कदम उठाते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के आदिवासी इलाकों की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ नर्मदा में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की पुलिस तलाश में है तो वहीं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता अनंत पटेल नवसारी में जंगल जमीन के हक के लिए रैली निकाल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वासंदा तालुका के आदिवासी किसानों को जंगल जमीन के हक पत्र देने की घोषणा सरकार ने कर तो दी थी लेकिन आज तक उन्हें अधिकार पत्र नहीं दिया गया और इसी मुद्दे पर वासंदा की का कांग्रेस की तरफ से रैली का आयोजन किया गया है। विधायक अनंत पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग इस पर प्रायोजक अधिकारी एवं वासंदा मामलातार कार्यालय पहुंचे थे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। पीड़ित किसानों के साथ अनंत पटेल ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आज हमने वासंदा तालुका कांग्रेस समिति के द्वारा हमने जंगल की जमीन के लिए यानी वन अधिनियम 2006 में जो किसान आते हैं, जो जंगल में खेत करते हैं, खेती बोते हैं,
उसके लिए हमने आज ट्राइबल सब प्लान में आवेदन पत्र दिया। वासदा तहसील में 1600 खेत के फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे यहाँ के ट्राइबल सब प्लान ने वो लिए नहीं है। हमारी डिमांड है कि वो सभी जो जंगल में खेती करते हैं वो किसानों को वो जमीन दी जाए और वहां की खेत के लिए अच्छी तरह से खेत बोने के लिए वहां पे जो मशीन चलवाए जा रहे हैं, वहां पे ट्रैक्टर से जो जमीन लेवलिंग कर रहे हैं, वो जमीन लेवलिंग के लिए वहां पे कुछ भी मशीन या ट्रैक्टर हो तो उसको पकड़ लेते हैं, वो किया नहीं जाए। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम एक महीने के बाद यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अहमदाबाद वाया मुंबई गुजरात में ड्रग्स का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में एक दंपत्ति को ड्रग्स के कारोबार में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि मुंबई अहमदाबाद ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर और औरंगाबाद में भी महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात पुलिस ने छापेमारी करके करोड़ों की ड्रग्स को बरामद किया था। गुजरात में ड्रग्स कारोबार पर पुलिस ने कसी नकेल। अहमदाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े ड्रग तस्कर पति पत्नी। मुंबई से अहमदाबाद लाकर करते थे ड्रग्स की सप्लाई। गुजरात में महाराष्ट्र हो रही है बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अहमदाबाद पुलिस की रेड में मिली थी 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस की टीम गुजरात में ड्रग्स के कारोबार पर लगातार चोट कर रही है। अहमदाबाद पुलिस की हिरासत में जो ड्रग तस्कर पति पत्नी नजर आ रहे हैं, ये ड्रग्स कारोबारी छोटे अपराधी हैं, लेकिन ड्रग्स का जो कार्टेल गुजरात के चारों तरफ बनता जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। पहले हम आपको ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन रहे अहमदाबाद में मुंबई से ड्रग्स की तस्करी कितनी आसानी से होती है ये बताते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने बापूनगर इलाके से रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद सार्दिक उर्फे बाबूस और उसकी पत्नी रुखसाना बानू उर्फे आयशा से करीब 200 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत बाजार में 19 लाख रुपए है। दोनों पति पत्नी ड्रग्स के आदी हैं और साथ ही घर से ड्रग्स बेचा भी करते हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि 200 ग्राम एमडी ड्रग्स के लिए इन दोनों ने 12 लाख रुपए दिए थे, जिसे ये लोग अहमदाबाद में 17 लाख में बेचते थे। यानी मुंबई के एक ट्रिप से इनको 5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। हमारी एसओजी की टीम को एक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से वो लोग वॉच में थे और उसमें मोहम्मद सादिक के घर पे जब हमने रेड की तो वहां से 200 ग्राम के आसपास एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है, जिनकी मार्केट प्राइस है 19 लाख के आसपास होती है और इसके खिलाफ हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है और आगे की कार्यवाही चल रही है। ये लोग मुंबई से लाए थे और अपने घर पे ही कस्टमर को बेचते थे। दरअसल राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाके गुजरात के लिए ड्रग्स सप्लाई के केंद्र बन गए हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महाराष्ट्र के पालघर और संभाजी नगर से सैकड़ों करोड़ों के ड्रग्स पकड़े गए हैं। 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पालघर में चल रहा एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यहां से करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए, साथ ही ड्रग्स के धंधे में लगे 6 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। पालघर की इस ड्रग्स फैक्ट्री में तैयार हो रही ड्रग्स का ठिकाना भी अहमदाबाद और गुजरात ही था। लॉज में कुछ लोग वहां पे आए हुए, वहां पे रह रहे और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहां पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहां पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया, साथ ही एक गाउटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ड्रग फैक्ट्री का पता चला। पुलिस को यहां से करीब 250 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग मिली। यहां तैयार की जा रही ड्रग्स को भी गुजरात के बाजार में खपाना था, जहां ड्रग्स का कारोबार पिछले कुछ सालों में तेजी से फल फूल रहा है। महाराष्ट्र के अलावा समुद्री सीमा और पाकिस्तान से पंजाब होकर भी
ड्रग्स की सप्लाई गुजरात तक हो रही है। यहाँ के युवाओं को ड्रग्स के जहर से बचाने के लिए जरूरी है कि पुलिस ड्रग कार्टेल का पूरी तरह से सफाया करे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। उनके दफ्तर की ईमेल एड्रेस पर विदेश से भेजे गए 3 मेल्स के जरिए उनसे 400 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, कई बार ये मेल्स भेजे जाते रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी बार बार उन्हें दी जा रही है। पुलिस धमकी भरे ईमेल्स की जांच कर रही है। वहीं मुकेश अंबानी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पहले 20 करोड़, फिर 200 करोड़ और अब 400 करोड़। जुर्म के इतिहास में यह शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा जब महज 5 दिनों के अंदर किसी से किसी ने इतनी बड़ी रंगदारी मांगी है। और रंगदारी भी किसी ऐसे वैसे शख्स से नहीं, बल्कि 87 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारत के इस सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से किसी ने रंगदारी मांगी हो या फिर रुपए न चुकाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी हो। लेकिन इस बार जिस तरह से धमकी देने वाला शख्स लगातार उन्हें एक के बाद एक ईमेल भेजता जा रहा है और हर बार ईमेल पर रंगदारी की रकम भी बढ़ती जा रही है, उससे उसके बेखौफ और बेअंदाज होने का पता तो चलता ही है। उसकी इस करतूत ने मुंबई पुलिस से लेकर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब पुलिस के सामने इस आदमी को जल्द से जल्द काबू करने की बड़ी चुनौती है। लेकिन आखिर कौन है ये शख्स? क्या वो वाकई कोई बड़ा गैंगस्टर है, किसी इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का मुखिया, कोई सनकी या सिरफिरा, या फिर रातों रात सुर्खियों में आने का कोई ख्वाहिशमंद? इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को पहला धमकी भरा ईमेल आया पिछले हफ्ते शुक्रवार को। ये ईमेल आते ही उनकी टीम ने कामदेवी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी और उसके द्वारा एक FIR दर्ज की गई। पहले ईमेल में 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद शनिवार को फिर दूसरा ईमेल आता है जिसमें फिरौती की रकम बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई। इसके बाद भी फिर सिक्योरिटी टीम ने FIR कराई कामदेवी पुलिस स्टेशन में। कामदेवी पुलिस स्टेशन ने साइबर टीम्स को अलर्ट किया और दोनों ही ईमेल जहां से आए थे उनकी IP एड्रेस ट्रेस करने में लगे हुए थे। तब तक सोमवार को इस हफ्ते तीसरा ईमेल आता है और तीसरा ईमेल shadabkhan@lemons.com इस ईमेल ID से आया और इस व्यक्ति ने ये कहा कि क्योंकि आप मुझे ट्रैक नहीं कर सकते, आप मुझे ट्रेस नहीं कर सकते, पुलिस मुझे ट्रेस नहीं कर सकती, इसीलिए आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते। अब आपको फिरौती की रकम 400 करोड़ रुपए देनी होगी। वैसे फिलहाल एक के बाद एक 3 धमकी भरे ईमेल और हर ईमेल में रंगदारी की रकम बढ़ाए जाने के इस गंभीर मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और उसे 2 बातों का पता चल चुका है। अव्वल तो ये कि मेल भेजने वाले शख्स का नाम शादाब खान है और दूसरा ये कि ये मेल यूरोपीय मुल्क बेल्जियम से भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी है कि क्या ईमेल सचमुच किसी शादाब खान ने भेजा है या फिर वो भी एक नकली पहचान है।